नमस्कार, एनबीएससी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नितिका शर्मा आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और सामाजिक न्याय संगठन के कार्यालय में आज जयपुर चॉइस अवार्ड का पोस्टर विमोचन किया गया। यह अवार्ड शो 15 अगस्त के दिन किया जाएगा, जिसमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों से उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान होगा। साथ ही कोरोना वायरस योद्धा और बिजनेसमैन का सम्मान भी किया जाएगा। इस अवार्ड शो के माध्यम से लोगों में समाज सेवा की भावना और अधिक जागृत होगी। इस अवार्ड शो का आयोजन बीटी फाउंडेशन क्लब जयपुर के द्वारा किया जाएगा। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार और सामाजिक न्याय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंह, युवा अध्यक्ष ब्रिजेश पाठक, बीटी फाउंडेशन के संरक्षक पवन टाक व बीटी फाउंडेशन क्लब के डायरेक्टर राहुल शर्मा और राज शर्मा मौजूद थे। और अभी हमारे पास 1000 से ऊपर नॉमिनेशन आ चुके हैं। अब उनमें से हमारी जूरी बैठी है पूरी और चेक कर रही है कि कौन कौन डिजर्व कर रहा है। तो डिजर्व तो वैसे सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन जो उसमें टॉप है उनको हम सेलेक्ट करके और उनको कंफर्मेशन सेंड कर रहे हैं और 15 अगस्त के दिन उनको बुला के उनको हम सम्मानित करेंगे जयपुर के अंदर। सर, राज सर हमेशा कुछ ना कुछ लेके आते हैं नया, और जिन्होंने यहाँ पर जो ये प्रोग्राम रख रहे हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने आगे बढ़कर इसमें कोरोना पीड़ित लोगों के लिए काम किया है, तो उन्हीं का ये सम्मान होने जा रहा है जयपुर चॉइस अवार्ड 2021।